नाज़रीन, टाइम्स टॉक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज टाइम्स की स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक दस व तब्दील से है। उसके साथ साथ मुनीर सामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शहर की जानी मानी शख्सियत हैं, और नौशाबा से दीगर साहिबा जो हैं, जिनका मैंने ज़िक्र किया कि जिनका ताल्लुक दरस व तदरीस से है, वो आजकल टोरंटो के दौरे पर आई हुई थी। हमने इनसे गुजारिश की कि तशरीफ़ लाएँ, और उनके हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने वक्त दिया। उनका तारुफ, उनकी बातचीत मुनीर सामी से बेहतर कोई नहीं करा सकता, इसलिए मैं चाहूँगा मुनीर सामी, प्लीज़ आप इनके बारे में कुछ बताइए और इनसे बात करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल काम आपने मुझे नजीम साहब सौंपा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, जिसको कहते हैं कि फ़र्ज़ है, उसको निभाना होता है। तो मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, जो नई वाकिफ़ हैं, ख़ुसूसन वो नस्लें जो पाकिस्तान से कब से निकल चुकी हैं, कि पाकिस्तान में कुछ इंसान ऐसे रहे हैं जिनको आप बिलाशुबा इंसान साज और ज़हन साज कह सकते हैं, जिन्हें सारी ज़िंदगी ये काम किया है कि अपने ऊपर ध्यान दिए बग़ैर पूरी पूरी नस्लों को तैयार करने की कोशिश की है। तो नौशाबा सिद्दीकी साहबा बिलाशुबा वो गिने चुने लोग हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिनमें से एक कही जा सकती हैं और एक हैं। उसके अलावा जो एक हमारी है तरकीब, जिसको हम गंज हाय गरामाया कहते हैं, और गंज हाय गरामाया वो ख़जाने हैं कि जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं हो सकता है। तो मेरे नज़दीक ये बिलाशुबा उन्हीं गंज हाय गरामाया में से एक ख़ज़ाना है, और ये बातें हम आगे चल के करेंगे कि क्यों हैं। जो सबसे बड़ी बात यह कि रिक्लूज़ हैं, अपना चर्चा नहीं करती हैं, हालांकि कराची जैसे शहर में हर शख्स इनका नाम जानता है और जानता होगा, जानना होगा। सर सैयद कॉलेज से लेके, नेशनल कॉलेज से लेके अलामा इकबाल कॉलेज तक, जिसकी कम से कम भी 40 साल उसके साथ मुंसलिक रहीं, कॉलेज बनाने से हसनैन काज़मी साहब से लेके, अब तो जो जो लोग बातें सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि ये कॉलेज वो थे। आप अगर सोचें अलामा इकबाल कॉलेज का जिक्र, जिस जगह पे वो था, वो एक ज़माने में जंगो जदाल का मरकज़ बना हुआ था, उस बीच में रह के तालीम को फैलाना और उस बीच में रह के कराची वालों की जो फराग दिली है उसको इस्तेमाल करते हुए कराची से बाहर के रहने वालों को पज़ीराई करना और उनको सिखाना, इनका उस कॉलेज से ताल्लुक़ रहा है। तो ये तो एक बात है। दूसरी बहुत सारी बातें हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं, 10 किताबें लिख चुकी हैं, एक से एक शानदार किताब इनकी है। लेकिन जो बहुत बड़ी खसूसियत, इख्तिसास ख़ास जो आजकल है, जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो इनका ताल्लुक डॉक्टर जमील जालबी लाइब्रेरी से है, जिसमें हम इनसे बात करेंगे। लेकिन जो ज़रा से भी इल्म दोस्त हैं, वो जालबी साहब का नाम तो जानते होंगे, लेकिन ये लाइब्रेरी में तकरीबन 125,000 किताबें विरसे की उनकी, वो इस लाइब्रेरी को अता की गई। और फिर इस बारे में हम सब, ये एक इनका उसकी ये आप कैसे मोहतरमियों में ख़ास भी हैं और आला भी हैं और सब कुछ ही ये करती हैं और चला रही हैं। मैंने इसलिए सोचा था कि बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में कुछ बातें रिकॉर्ड की जाएं। चलिए, जमील जालबी साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने शायद वो तमाम जी, तो हम इनसे ही पूछते हैं। तो नौशाबा साहब, आप बताइए, मैं आपका तारुफ ठीक से तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आप हमें लाइब्रेरी के बारे में ज़रा बताइए, कि बहुत ही कीमती एक सरमाया हमारे मुल्क का वो है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया, और ये कसर नफसी नहीं है बल्कि वाकई ये बात है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठूँ और अपने बारे में या जो मैं काम कर रही हूँ उसके बारे में बताऊँ। एक वो काम कर रही हूँ जो सभी करते हैं, वही मैं भी कर रही हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं दरस तदरीस से वाबस्ता रही हूँ और 40 साल मैंने पढ़ाया है, और अपने बारे में बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान ने जैसे कहा था कि जब अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरी बख्शिश क्यों कर हो, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने हाल ही से मुसद्दस से हाल ही लिखवाई। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह ताला जब पूछेगा
कि तुमने दुनिया में कौन सा नेक काम किया, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैंने 40 साल कम से कम 4 लाख से ज़्यादा तालिबिलमों को सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है और मेरे अपने इत्मीनान की भी बात है। और बस जो कुछ मैंने सीखा वहाँ अपने असातिज़ा से सीखा, अपने साथियों से सीखा। किताबों से तो सभी लोग सीखते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि किताबों से जितनी मालूमात मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आप शख्सियतों के दरमियान रहने से सीखते हैं। तो मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैं जिस शहर में रही उसमें एक से एक काबिल और हुनरमंद लोग थे जो सिखाते थे, जो बताते थे, जिनकी सोहबत में अगर बैठ जाएं तो आप कुछ सीखे बगैर नहीं उठते थे। तो बस मेरी सिर्फ एक यही खुशनसीबी है कि मैं बहुत अच्छे लोगों में बैठी। बस हम आते हैं लाइब्रेरी की तरफ, ज़रा सा आपसे पूछते हैं। वो मैं ये कनेक्शन करना चाह रहा हूँ आपके खुसूसन कैनेडियन नाज़रीन और इंटरनेशनल नाज़रीन के लिए कि लाइब्रेरियाँ जो बनती हैं दुनिया भर में वो इंसान साजी का बेहतरीन इदारा होती हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं कदम कदम पे लाइब्रेरी है, मुफ्त लाइब्रेरी है, आप मेंबरशिप लें वो आपको किताबें देंगे फराग दिली से, पूरा इसका निज़ाम हिसाब रखेंगे। लेकिन हमारी अपनी रिवायत में ये वाला काम ज़रा कम कम हुआ है और मैंने ये होते हुए देखा है कैनेडा में भी पाकिस्तान में भी कि अक्सर असातिज़े की अहले इल्म की किताबें या तो रद्दी में चली गईं या ज़ाया हो गईं या कूड़े में चली गईं, बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो यहाँ पे नौशाबा साहबा की भी मालूमात के लिए बहुत अहम इजाफा शायद हो कि यहाँ सबसे पहले उर्दू के हवाले से टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अजीज़ अहमद की लाइब्रेरी अतिया की गई। प्रोफेसर अजीज़ अहमद बहुत बड़ा हमारे अदब का, हमारी तारीख का नाम थे और वो यहाँ पे पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी किताब अपनी लाइब्रेरी से, एक और जो अलीगढ़ के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, उनका अलीगढ़ से गहरा ताल्लुक़ है कि यहाँ पे डॉक्टर बेदार बख्त हैं जी। डॉक्टर बेदार बख्त किताबें जमा करते थे बहुत ही कीमती, तो उन्होंने अपनी 7,000 किताबें, हालांकि 7,000 का 1.25 लाख के मुकाबले में ज़ाहिर है कि कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इस दूर दराज मुल्क में लेके उर्दू की किताबें, कीमती किताबें जमा करके वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को अतिया की, तो वो वहाँ चली गई हैं। तो उससे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की लाइब्रेरी फिर अगेन कोई मुकाबला नहीं है कराची से और हमारी डॉक्टर महमूद हसन लाइब्रेरी से, जालबी साहब की लाइब्रेरी से। तो उसमें इस वक्त कोई 40,000 उर्दू किताबें हैं जो शुमाली अमेरिका में सबसे बड़ी उर्दू की लाइब्रेरी बन गई है। तो वहाँ से हम आते हैं और नौशाबा साहब पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये लाइब्रेरी वजूद में आई और किस तरह से आपने कन्विंस किया या वो लोग खुद कन्विंस हुए, उनके ख़ानदान वाले, उनके नाम आप बताइए कि उनकी भी रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि शख्सियतों की सोहबत में इंसान बहुत सीखता है, तो मेरा ताल्लुक जमीन जालवी फैमिली से बहुत ज़्यादा रहा, इत्तेफाकन हो गया और वो फिर उम्र भर का हो गया। तो हुआ तो मेरा ताल्लुक उनके बेटे खावर जमील से था, लेकिन उस ज़माने में चूँकि हयात थे जमील जालवी साहब, तो हमारा रोज़ाना का आना जाना उनके घर हुआ करता था। तो बहुत कुछ हमने उनसे सीखा, देखा, उनकी लाइब्रेरी उनके घर में थी वो देखी और उनकी मशगूलियत देखी कि वो कितना वक्त अपनी लाइब्रेरी में देते थे। वो तकारीब में कम जाते थे तो हम उनसे पूछते थे, ये जुमला मैं बतौर ख़ास कहूँगी कि मैं ये कहती थी कि आपका नाम कार्ड पे लिखा होता है, तो कहते थे कि भाई लोग ज़बरदस्ती लिख देते हैं, मैं मना करता हूँ। तो मैंने कहा हम नाम देख कर जाते हैं और मायूस होकर आ जाते हैं। तो उनका जवाब ये था कि मैं तकरीबात का आदमी नहीं हूँ, मैं किताब का आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि रोस्टम पर खड़ा हुआ इंसान मर जाता है और नाम भी नहीं कोई जानता उसके अहद के बाद, लेकिन किताबों में रहने वाला आदमी फिर हमेशा जीता है। तो मैं जीना चाहता हूँ, मैं किताबों में रहना चाहता हूँ। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी आखिरी किताब जो लिखी तारीख अदब उर्दू और लुगत, ये दो चीज़ें उनको मरने को कभी नहीं देंगी। अब आपने लाइब्रेरी के बारे में पूछा तो ये कि जमील जालवी साहब इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वाइस लेट के अफसर थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र और अपनी सेहत का अंदाज़ा करते हुए ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, सो उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली ये सोच करके कि अब मैं सिर्फ लिखूँ पढ़ूँगा।
तो फिर उसके बाद वो घर बैठ गए और उन्होंने तारीख़ अदब उर्दू जैसा काम कर दिखाया। तो उस सूरत में उनकी सेहत जो है वो रोज़ बरोज़ चूँकि ख़राब हो रही थी इसलिए वो घर बैठ गए थे। 2016 तक आते आते वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गए और उस वक्त उन्होंने एक वसीयत की कि मेरी ये जो किताबें हैं ये कहीं इधर उधर ना होने पाए। चूँकि वो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे तो उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर ये है कि वहाँ दुनिया भर के तालिबे इल्म आते हैं और कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मेरी किताबें कराची यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को अतिया कर दी जाए। ये उनकी एक तरफ से वसीयत थी। सो 2016 तक आते आते ये हुआ कि वो बिल्कुल जब बिस्तर पर पड़ गए तो हम लोगों ने ये सोचा कि वक्त आ गया है कि हम कराची यूनिवर्सिटी से बात करें और इनकी किताबों को इनकी ज़िंदगी ही में ही अतिया करके उनको खुशखबरी सुना दें। हमने कराची यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, उन्होंने अपने सेनेट और सिंडिकेट में ये बात रखी और कहा कि 1.25 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। तो वहाँ ये हुआ कि भाई हमारे पास तो अपनी किताबें रखने के लिए अलमारी नहीं है और जगह नहीं है, सो हम कैसे रख सकते हैं, तो मना हो गया। उसी वक्त खावर जमील ने कहा कि अच्छा ठीक है तो आप हमको एक ज़मीन दे दीजिए, यहाँ हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं कराची यूनिवर्सिटी में और हम अपनी लाइब्रेरी खुद बना लेंगे। सो वो ज़मीन मिली, अब जिस कीमत पे मिली ये सब वो खावर जमील जानते हैं। और ये जगह जो थी डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी जो जामिया कराची की लाइब्रेरी है उसके बिल्कुल बराबर है। अच्छा। 2016 14 अगस्त को एम्बुलेंस में डालकर जमील जालवी साहब कराची यूनिवर्सिटी लाए गए और व्हील चेयर पर उनको उतारा गया और उन्होंने अपने हाथ से संग बुनियाद रखा। 2016 से 2018 यानी 18 अप्रैल 2018 तक वो हयात रहे और 18 अप्रैल को उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त तक लाइब्रेरी बनना शुरू हो गई थी, जाहिर है 2 साल में इमारत नहीं बन सकती थी। ये इमारत कोविड के ज़माने में 2020 में मुकम्मल तामीर हुई और हमने 2021 में 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया। कोविड का ज़माना था, बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया लेकिन वो जो SOP की जो वो हो सकती थी एहतियात उसके साथ हमने इसका इफ्तिताह किया। उस वक्त वो हयात नहीं थे। वो लाइब्रेरी की इमारत जो बनी है वो जमील जालवी साहब के जो दामाद हैं यानी उनकी बेटी नवासा, जिसको कह लीजिए नवासा जो है वो आर्किटेक्ट है, उसने उसका डिज़ाइन बनाया है, नबील नाम है उसका, तो उसने वो बनाया है और क्या खूबसूरत इमारत है और मुकम्मल सफ़ेद रंग की है जिसको अब लोग व्हाइट हाउस भी कहने लगे हैं और बहुत खूबसूरत बन गई। फिर हमने उसका इफ्तिताह अभी 2023 में, इस वो इफ्तिताह एक इमारत का था, 2023 में हमको 1.5 साल और चाहिए था कि हम किताबों की नंबरिंग और कोडिफिकेशन और जो लाइब्रेरी के तकाजे होते हैं अलमारियों में रखने के वो सब पूरे किए और 14 अगस्त को हमने फिर उसका इफ्तिताह इस लिहाज से किया। लेकिन बाकायदा मेंबरशिप का आगाज हमने रमज़ान में 18 अप्रैल को किया जबकि जमील जालवी की बरसी का वो दिन था, तो हमने मेंबरशिप बिल्कुल फ्री की है और इस लाइब्रेरी का नाम जो है वो डॉक्टर जमील जालवी रिसर्च लाइब्रेरी है। ये लर्निंग लाइब्रेरी नहीं है, किताबें इशू नहीं होती, इसमें सिर्फ MPhil और PhD करने वाले तालिबे आएंगे और मुस्तफीद होंगे। ये हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। नाज़रीन आप सुन रहे हैं इस लाइब्रेरी के हवाले से जमील जालवी साहब की जो लाइब्रेरी है और जो उसमें काम हो रहा है रिसर्च का, वो यकीनन हमेशा सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। और उर्दू जिसे कि हम भूलते जा रहे हैं उसका एक रिवाइवल के तौर पे ये चीज़ सामने आ रही है जिसके लिए हम मुबारकबाद भी पेश करेंगे। और इसके साथ साथ हम चलेंगे एक ब्रेक पर और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुहतरमा से दोबारा सुनेंगे कि और इस सिलसिले में क्या मजीद मामला आगे चल रहे हैं। Thank you.
buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Ollam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable, Ollam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. शुक्रिया नदीम साहब, मैं असल में यहाँ पे कुछ बातों का इजाफा करना चाहूँ जो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ भी है, हम पे कर्ज भी है। वो ये कि ये जो काम हुआ है लाइब्रेरी का, जहाँ पे सरकारी वसाइल नहीं होते हैं, यानी कि सरकार देना नहीं चाहती है, बल्कि हम जिस गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर हमें भी तरजीहात तय करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए इस गरम कदर एहसान के लिए हमें जो उनका ख़ानदान है उसका भी एतराफ़ करना चाहिए, खुसूसन खावर जमील साहब का। सरकारी अफसर हैं बड़ी, अपने उन्हें मुश्किलों से सब काम किया होगा, उनके नवासे साहब ने काम किया। क्योंकि ये एक शेर मुझे याद आ रहा है, सादा सा है लेकिन अहम है, कि बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम है, गरा कदर काम है खावर साहब का, उनके ख़ानदान का, जालबी साहब के ख़ानदान का, ये हमेशा याद रखा है। जब भी कोई शख्स उस किताब के एक वरख को भी छुएगा तो उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो याद करे कि ये किताब उसके हाथ में कैसे आई। तो ये करने के बाद, हम कहने के बाद जो ज़रूरी था, हम नौशाबा साहब से फिर शुरू करते हैं कि लाइब्रेरी के बारे में कुछ और बताएँ। जी, ये जैसा कि आपने कहा, ये तो जाहिर है कि बहुत अहम बातें थी जो आपने बताईं। और ये कि ये लाइब्रेरी जमील जालबी फाउंडेशन के तहत ये इसका क़याम अमल में आया। फाउंडेशन से मुराद ये है कि इनके ख़ानदान के तमाम अफराद उस फाउंडेशन में शरीक हैं, और शायद वही ये सारे जो पैसों का मामला या जो माली मामलात हैं वो वही उठाते हैं। उन्होंने किसी से कुछ इस तरह मांगा नहीं कभी, और बाकी अंदर की बातें तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन बहरहाल ये जमील जालबी फाउंडेशन है जो ये लाइब्रेरी चला रही है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि खावर जमील साहब ने इसमें एक ऑडिटोरियम बनाया है, बड़ा खूबसूरत सा ऑडिटोरियम है, और उसका नाम नसीम शाहीन ऑडिटोरियम है। नसीम शाहीन जमील जालबी साहब की बेगम का नाम है, जिनका इंतकाल अभी 31 जनवरी 2023 में हुआ है, अभी इसी साल। तो हमने उसका इफ्तिताह किया, और उस वक्त से अब तक हमने कम से कम 16 तकरीबात उस ऑडिटोरियम में कर ली हैं, और वो तकरीबात इल्मी, अदबी और किताबों की जो रुनमाई होती है या पजीराई कह लीजिए, उसके तहत होती है। और इसमें ज़्यादातर हमने कोशिश ये की है कि कराची यूनिवर्सिटी के वो असातिज़ा जो अव्वलीन सरबरा रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनको दोबारा याद किया जाए, मौजूदा तालिबे इल्म उनके नाम से भी वाकिफ नहीं है, हत्ता कि जिस शोबे में वो पढ़ रहे हैं उस शोबे के सरबरा का नाम भी उन्हें नहीं मालूम। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया, और मैं अभी 4-5 शोबे के सरबराहों से मुतालिक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, जबकि खुद इस वक्त जितने असातिज़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जितने तालिबे इल्म मौजूद हैं उन्हें भी उनके नाम नहीं पता थे। जिसमें मैं बात आपको बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूँ, नदीम साहब और आपके नाजरीन भी ये समझना चाहिए कि ये याद रफ्तगा का काम है,
वो एक अहम काम है। जैसे मैंने इसे समझा कि ये उन मशाहिर को ढूंढते हैं जैसे खुद ये इंसान साज हैं, जैसे मैंने कहा जहन साज हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ा एहसान पाकिस्तान पे किया है। मतलब अभी कुछ दिन पहले मुंतखब अलख साहब का प्रोग्राम किया, औरों के करती हैं, और ये खाल खाल ही होता है कि अगर आपके हाथ में इख्तियार आ जाए तो अपने दोस्तों की आप पजराइयों के खेल तमाशे भी कैनेडा से शायर पहुंच जाए तो उसकी किताबों की गुणों जी ये वहाँ का आम वतीरा है। ये जनरली जो जेन्युइन तरीके से जो लोग ये वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बात करें आपका ताल्लुक दूसरों को सियासत नहीं है, वो ये है कि कराची शहर ने जो खिदमत पाकिस्तान की अंजाम दी है, कराची ने जिस तरीके से इंसान साजी की, कराची में कॉलेज 50 कॉलेज थे नदीम साहब के जमाने में, सब प्राइवेट थे और अमूमन वो नफे की बुनियाद पे नहीं चलते थे। सर सैयद कॉलेज बहुत बड़ा था, जिन्ना कॉलेज था, खुद अल्लामा इकबाल कॉलेज था, अगर था भी तो थोड़ा थोड़ा, मेरे वालिद साहब का कॉलेज था। ये सब बच्चों को, गुर्बत ज्यादा बच्चों को किसी न किसी तरह पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते, अमीर बच्चा तो चला जाता था किसी बड़ी जगह पे करके, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं कहा इसका भी मैं जिक्र कर लूँ। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा काम भी और बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि जब मैंने मेजर आफ्ताब हसन पर शोभा तकनीफ और तालीफ के जो अवलीन सरबरा थे काम करना शुरू किया तो उनकी फैमिली का कोई आदमी मुझे नहीं मिला, उन पर बोलने वाला आदमी शहर में कोई मौजूद नहीं था, मैं कहाँ से तलाश करके लाती। तो ये जो तलाश का काम मेरे जिम्मे आ गया है, इसमें बड़ा मज़ा ये आया कि मुझे पता ये चला कि कराची में ही उनके एक बेटे रहते हैं और मैंने ढूंढ लिया। और अब मैं कनाडा में आई, मैं जिस शख्सियत पर प्रोग्राम करना चाहती थी, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर थी अपनी नौजवानी के ज़माने से, अपनी तालिबे इल्मी के ज़माने से, वो थे जनाब ख्वाजा अशकार हुसैन साहब। उनका पूरा ख़ानदान गायब था कहीं नहीं, और मुझे कनाडा में आकर आप मुनीर साहब मिल गए, और अब मैं वापस जाकर उसमें ये फौरन तो नहीं करूंगी क्योंकि वहाँ उनके ख़ानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं है जो बोलेगा। और ख्वाजा अशकार हुसैन को बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि नए लोग जानते भी नहीं। जी मैं से आपका शुक्रिया, मतलब ये तो आपकी पजीराई है। जो मैं बात कहना चाहता हूँ लाइब्रेरी के हिसाब से दोबारा, वो ये है कि जैसे आपने फरमाया कि लाइब्रेरी मुफ्त है, जिसकी मेंबरशिप भी मुफ्त है, और ये एक और अहम काम है, क्योंकि हम कनाडा में जिस लाइब्रेरी का मैंने जिक्र किया तो $300 की आपको साल की फीस देनी होती है किताबों से इस्तेफादा करने के लिए, अगर आप गैर तालिब इल्म, उसका उससे आपका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो हमें याद रखना चाहिए। उसमें एक और बात मैं पूछूंगा कि क्या उसके मेम्बर बैन अवी लोग भी हो सकते हैं, हम दूर से बैठ के भी मेम्बर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये बात मैं खावर जमील साहब से पूछकर रस्मी तौर पर भी बताऊंगी और क्या वजह है कि नहीं बन सकते। और दूसरी बात यह है कि खावर जमील साहब उस लाइब्रेरी में इस तरह आते हैं जैसे वो मेहमान हों, और सारी जिम्मेदारी उन्होंने हम लोगों पर इतनी डाल दी है, और जो हम मशवरा देते हैं या जो गुफ्तगू करते हैं इतनी उसमें कस नफसी और इतने वो धीमे मिजाज के इंसान हैं कि वो फौरन मान भी जाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं मेंबर बनना चाहते हैं तो वो सारी दुनिया के लिए खोल देंगे। नहीं, मैं से पता, इसकी वजह ये है, मैं ये चाहूँगा कि अब हम इसके बारे में मजीद तस्वीरें भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना भी चर्चा हम जैसे कैसा वो हम कर सकते हैं, इंटरव्यू उसका एक, 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 एक वसीला है, तो हम करेंगे। अब इसके बाद हम अगले ख़ान में जो दूसरी हमारी होगी कस्ट इस प्रोग्राम की, उसमें इनके बारे में कुछ बात करें। जी इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये सुना है कि जो मुराद अली शाह जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी मतलब इंटरेस्ट लेते हैं अदबी मामलात में, और वो फंडिंग वंडिंग भी करते रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई सिलसिला सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुआ? ऐसा ऐसे मौके पे हुआ कि जब हमने 14 अगस्त इसी साल 14 अगस्त को जब हमने पिछले साल सन 2022 में इसका इफ्तिताह किया था, तो मुराद अली शाह ने कहा कि मैं खुद आऊँगा इस लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी आए और उन्होंने जब बिल्डिंग देखी तो कहा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग शहर कराची में है, इसका नक्शा देखा और सब, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब मैं जितनी भी किसी भी शहर में कोई लाइब्रेरी बनेगी वो इसी नक्शे पे बनेगी। और नंबर दो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इमदाद आप सरकार सिंध से हासिल करना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। तो गोया उन्होंने पूरी तरह से
ऑफर दे दी है। अब ये खबर जमील साहब जाने और वो जाने यकीनन फिर सरकार ने मदद भी की होगी, लेकिन खबर साहब के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि वो कभी किसी के पास मांगने गए और उन्होंने कहा कि हम फाउंडेशन वाले ही इसको चलाएंगे। लेकिन एक साहब को भी मैं जानती हूँ, उनका नाम भी खबर ही है इत्तेफाक से, वो कोई भी बड़े आदमी थे, लेकिन जमील जालवी साहब से बहुत मुतासिर थे, उन्होंने भी किसी हद तक जब शुरू किया तो मदद की थी, बिल्कुल इब्तदाई दिनों में बिल्डिंग बनाने के सिलसिले में मदद की थी, जिसकी तख्ती हमने लिख करके उनके नाम की लगा दी, जबकि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम कहीं ना आने पाए, लेकिन हमने और खावर जमील साहब ने मिल करके कहा कि ये तो उन्होंने कह दिया है लेकिन हमें उनका नाम लगाना चाहिए उस पर। नाज़रीन, ये बातचीत हमारी चल रही है, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके हम इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और नौशाबा साहिबा के बारे में भी हम पूछेंगे कि इनका अपने जो इनके जो प्रोफाइल है उसके ऊपर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable, Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. नाज़रीन, वी आर बैक इन स्टूडियो, मुनीर साहब की तरफ चलते हैं ताकि हम इस बातचीत को आगे बनाएं और उसके फाइनल एपिसोड को हम फाइनल करें। जी, अब लाइब्रेरी की तो हमने बात की, अब हम बात करनी चाहते हैं खुद आपके बारे में जो आप कम से कम करती हैं, और मैं इसका कनेक्शन जोड़ना चाहता हूं पाकिस्तान का, अलीगढ़ का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैं समझता हूं कि उम्मल जामियात जो है कम से कम पाकिस्तान के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी और है, और लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान के बहुत सरकर्दा लोगों ने, यानी तकसीम से पहले, आज़ादी से पहले वहाँ से इल्म हासिल किया, अपने साथ इल्म लेके आए, उसका फैलाव पाकिस्तान में किया, और ये बहुत बड़ा काम था। चूँकि आपका ताल्लुक गहरा एक उस यूनिवर्सिटी से है, आपके दादा का, आपके वालिद का, आपका ख़ुद का, तो पहले ज़रा सा वो आप बताइए, फिर हम आपके एक सफ़र के बारे में पूछेंगे जो आपने वहाँ का किया था रीडिस्कवरी के लिए। जी, मेरा ताल्लुक तो अलीगढ़ से है, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर अलीगढ़ नहीं देखा था। 2014 में सबसे पहले मैं गई, लेकिन हमारे ख़ानदान का ताल्लुक गाज़ीपुर से है, यूपी का एक शहर है, बहुत ज़रख़ेज़ शहर, बहुत बामानी शहर इस लिहाज से कि सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद अहमद ख़ान जो बने वो गाज़ीपुर से बने थे, क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की इब्तिदा गाज़ीपुर में की थी और साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में कायम की थी। ये पहला उनका कदम था सर सैयद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मदरसा बनाने का। तो गाज़ीपुर में जो साइंटिफिक सोसाइटी बनी 1862 में, 1862 से 64 तक सर सैयद अहमद ख़ान सब जज की हैसियत से ट्रांसफ़र होकर गाज़ीपुर आए थे, वो एक सरकारी मुलाजिम थे। गाज़ीपुर में उनका कोई जानने वाला नहीं था और मौजूद थे। इत्तेफाक़ ये है, खुशकिस्मती ये है कि हमारे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ हुआ, और मेरे परदादा मौलवी अब्दुल समद साहब
और कारी हाफिज मोहम्मद अली साहब, जो दोनों जज थे पेशे के एतबार से और शायर थे और अदीब थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने पहला स्कूल जो बनाया वो समद मंजिल, जो हमारी आबाई हमारा आबाई घर है, उसी के कंपाउंड में बनी थी और हमारे परदादा ने वो ज़मीन दी थी। फिर जो साइंटिफिक सोसाइटी बनी उसमें भी मेरे परदादा और ये और रोज़ाना शाम हमारे घर में बैठ करके वो सिटिंग होती थी सर सैयद अहमद ख़ान की और हमारे परदादा की। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सर सैयद से यानी हमारी पिछली तीन नस्लों से ही वाकफियत हो गई। फिर उसके बाद उनका फिर तबादला हो गया और अलीगढ़ हो गया। उस वक्त अलीगढ़ एक छोटा सा कोल नामी कस्बा था, उसका नाम भी अलीगढ़ नहीं था, कोल था। और वहाँ जब वो आए तो उनके जहन में वो सब कुछ था, साइंटिफिक सोसाइटी बना चुके थे, तीन चार किताबें वहाँ से छपवा चुके थे और कई एक उन्होंने छापा खाना जिसको कहते थे उस ज़माने में प्रेस, वो वहाँ पर कायम कर चुके थे, जिससे उन्होंने तबीनुल कलाम जैसी किताब लिखी थी, वो गाज़ीपुर में ही लिखी थी। और मैं अभी साथ ही साथ बता दूँ, शायद ना भूल जाऊँ, कि 156 साल हो गए हैं उस किताब को छपे हुए और उसकी रीप्रिंट अभी हाल ही में चंद महीने पहले हमने सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में की। बहुत शानदार। मैं यहाँ पे एक डाइगर्स करके बात करनी चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको लाऊंगा वो ये है, और जो आपके बैरून मुल्क या तारिकीन वतन या महाजरीन जो हैं किसी भी नस्ल के, उनका ताल्लुक़ है, जैसे हम अक्सर अपने पंजाबी दोस्तों से मिलते हैं जो पाकिस्तान से हिजरत करके जिनके ख़ानदान पंजाब से हिंदुस्तान चले गए, सिंधियों से मिलते हैं, दूसरों से मिलते हैं, इसी तरीके से अब वो जब हम उनसे मिलते हैं वो गले लगा लगा के रो रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं रावलपिंडी कैसा है, कराची कैसा है। हैरान कुन बात है कि कराची में एक कॉलेज जो मेरे वालिद साहब थे उसमें गुरुद्वारा बना हुआ है, वो सब आके देखना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, सिंधी लोग देखना चाहते हैं, रो रहे होते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब जाते हैं, जो मौका ही नहीं मिलता है, सालों साल वीज़े नहीं मिलते हैं, हम भी वहाँ अपने पुरखों की कब्रें ढूंढते फिरते हैं। तो उसके बारे में इनका एक सफ़रनामा है बहुत ही शानदार जो इन्होंने लिखा, और जिसमें जो इनकी अपने वालिद की गुमगश्ता, ये इनकी वालिद का इंतकाल कम उम्र में हो गया, तो जो इन्होंने बयान किया है कि वो आपको खींचता हुआ दिल को अपने साथ साथ ले जाता है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बात करें कि ये सफ़र क्यों आपने अख्तियार किया, कैसे अपने वालिद की कब्र आपने दरियाफ्त की, और फिर आगे की कहानी सुनाइए। जी जी बिल्कुल, मैंने बात शुरू सर सैयद अहमद ख़ान से इसलिए की थी कि एक हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता था, तो बचपन से हम सर सैयद अहमद ख़ान तो हर कोई हर जगह निसाब में शामिल थे, हम उन्हें दाढ़ी से पहचान लेते थे, लेकिन जब ज़रा बड़े हुए तो ताल्लुकात से पहचाने। तो हमारा ताल्लुक़ एक ऐसा बचपन से बना हुआ था कि कभी हम जाएं उन लोगों को देखें। मुझे था कि मेरे दादा कहाँ थे, मेरे वालिद कहाँ थे, मैंने अपने वालिद तक को नहीं देखा है, और शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं पैदा हो जाऊँ और वो चले जाएँ। तो मेरे लिए ये एक महरूमी हमेशा रही ज़िंदगी भर कि मैं उनको देखूं। बहुत कुछ लिखा था लेकिन नहीं लिखा था तो अपने वालिद पे, जब देखा ही नहीं, उनसे उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी तो मैं क्या लिखती। सन 14 में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी जब मुलाजमत सरकारी मुलाजमत थी उससे फारिग हुई, तो मैंने सोचा कि मुझे अब अलीगढ़ जाना चाहिए, जहाँ मेरे दादा उस कमेटी में शामिल थे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए थी, क्योंकि सर सैयद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई थी, एमएओ कॉलेज बनाया था। जब 1920 में बनी यूनिवर्सिटी तो उसमें मेरे दादा अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के साथ मेरे दादा का नाम भी आता है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं उनका नाम है कि नहीं, कहीं मेरे परदादा का नाम है कि नहीं, कि मेरे वालिद का नाम तो खैर क्या होगा, वो 39-40 साल की उम्र में चले गए थे। लेकिन बहरहाल यही सब जज्बा लेकर के मैं अलीगढ़ गई, और शायद वो किताब मुनीर साहब ने पढ़ ली है, और जो वो किताब पढ़ लेता है वो मुझे बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि उससे रोना पड़ता है, और किताब का नाम भी चश्मे नम है, और कई लोगों ने तो कहा कि वो नम नहीं है बल्कि हमारी तो चश्म तर हो गई थी, तो चश्मे तर भी है। उस मुझे लगता है कि वो किताब मैंने नहीं लिखी है, या कम अज़ कम वो बाब मैंने नहीं लिखा है जो मैंने अपने वालिद की कब्र को तलाश करने में लिखा है।
क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, हमने उन्हें भी नहीं देखा और उनकी कब्र भी नहीं देखी। तो मैंने कहा कम अज़ कम कब्र तो देख लूँ। अच्छा, कब्र का मुझे ये था कि वो मौजूद इसलिए होगी कि वो यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान है, उसमें सिर्फ अलीग लोग ही दफन होते हैं, तो शायद वो मौजूद हो। और मुझे नहीं पता था कि जब मैं गेट में दाखिल होंगी तो वो सीधे हाथ पे होगी, उल्टे हाथ पे होगी, वहीं से शुरू होगी या बहुत दूर जाके जहाँ ख़त्म हुई है वहाँ से शुरू होगी। मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। ऐसे में आप सोचिए कि कई हज़ार कब्रें हों और हर एक के आप कहाँ तक उसकी छानबीन करेंगे कि मिले। मुझे उसमें जज्बी साहब मिल गए, मुझे उसमें सरूर साहब की मिल गई, बड़े बड़े रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की मिल गई, नहीं मिल रही थी तो हसन अब्दुल्ला साहब की नहीं मिल रही थी। और मैं जब थक गई, यानी इतनी गर्मी थी कि 45 डिग्री गर्मी थी, पसीने से मैं शराबोर हो रही थी, कब्रिस्तान का माहौल था और मैं बेतहाशा रो रही थी और मैं तलाश कर रही थी और बिल्कुल एक नीम पागल कह लीजिए कि मैं बड़बड़ा भी रही थी और मैं कह रही थी अपने अब्बा को मुखातिब करके कि आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे पैदा तो कर दिया लेकिन आपने मुझे मेरा कभी ख्याल नहीं किया। अब मैं इतने साल के बाद आई हूँ, अब आप मिल भी नहीं रहे हैं। ये मैं ज़ोर ज़ोर से कह रही थी। गोरखन आ गया, उसने कहा पता नहीं कौन कोई एक पागल सी हस्ती आ गई है जो ये इस तरह की बातें कर रही है। और मैं वाकई पागल सी ही हो गई थी। तो ऐसे में मुझे कोई रहबर नहीं मिला जो बताता कि कहाँ है मेरे वालिद की कब्र। जब मैंने ये चीख कर कहा कि आप बहुत बुरे हैं और आप अब नहीं मिल रहे हैं, जाइए, मैं बाप से नहीं बोलूँगी, मैं इतनी दूर से आई हूँ, इसी तरह के जुमले थे बेतुके से। अगर आप लोग यकीन करें तो मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे एक आवाज़ आई कि आगे बढ़ो। मैं जहाँ खड़ी चीख रही थी वहाँ से मैंने चंद कदम आगे बढ़ाया, मुझे मैं फिर खड़ी हो गई और चीखने लगी, फिर आवाज़ आई कि आगे बढ़ो। तीन दफ़ा ऐसा हुआ, उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। अब मैं जिस जगह खड़ी थी मैं थक गई थी, चलते चलते भी और पसीना पोंछते पोंछते भी, और मेरे हाथ में जो टिश्यू था वो बिल्कुल टपक रहा था पानी से, वो उसमें पसीना भी था और आंसू भी थे। मैं उसी जगह बैठ गई, वो एक कब्र थी और बहुत पुरानी थी और टूटी फूटी भी थी और उस पर जो लौ लगी थी वो उस पर बड़े कांटे थे और सब चीज़ें थीं कि नहीं पता था कि ये किसकी है। और जब मैं वहाँ बैठ गई तो ऐसे ही मैंने हाथ बढ़ाया और मैंने कांटा साफ करना शुरू कर दिया, हटाना शुरू किया बिला इरादा, तो उस पर मेरे दादा का नाम लिखा नज़र आया, मौलवी अबुल हसन। जैसे ही वो नाम नज़र आया मैंने अब नीचे लिखा होगा बंद करके कुछ, तो बहरहाल मैं बहुत ज़ोर से चीखी, जितने लोग कब्रिस्तान में थे सब मेरे पास दौड़ कर आ गए और फिर उन्होंने कहा कि ये है आपके वालिद साहब की कब्र। मैंने कहा अभी मैं पूछती हूँ, पूरा मैंने देखा तो मेरे वालिद के बारे में सब कुछ लिखा था, नाम था। और मैं एक किताब लेकर गई थी अफकार हसन, जो उनके शायरी का मजमूआ था। मुझे वो एक छोटी सी डायरी, बिल्कुल आप एक बालिश बहुत होता है उससे भी छोटी एक डायरी, जिसके तमाम औराक बिल्कुल जुड़े हुए थे, मेरे पास कहाँ से आई मुझे नहीं पता। मेरे वालिद की कोई चीज़ मुझे नहीं मिली। जाहिर है कि जब आप हिजरत करते हैं तो सामान तो आपके पास होता ही नहीं, तो कुछ भी नहीं था और मैं तो खैर थी ही नहीं, मैं तो गोदों में आई थी। तो वो डायरी मेरे पास कहाँ से आई, कई लोगों ने पूछा तो मैंने कहा किसी फरिश्ते ने किसी दिन मुझ पर तरस खाकर मेरी तकिए के नीचे रख दिया था। और उस डायरी को मैंने इतना संभाल के रखा कि कभी खोल कर नहीं देखा और कभी किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। और यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई और शादी के दिन जब मैं आई हूँ तो मेरे हाथ में वो डायरी थी कि मैं उसको अपने महके में छोड़ कर नहीं आ सकती थी, मुझे किसी पर एतबार नहीं था। मैं उसे साथ लेकर आई और अपने ससुराल में आकर जो अलमारी मुझे मिली मैंने सबसे पहले उसको वहाँ छुपा दिया और उसके बाद वो 40 साल छुपी रही, जितने साल भी मेरे शादी को हुए हैं। जिस दिन मैं रिटायर हुई हूँ सरकारी मुलाजमत से, उस दिन मैंने उस डायरी को निकाला और उसके सफ़े एक एक करके देखे
तो पता चला कि उसमें तो पूरी शायरी उनकी भरी हुई है। हरूफ मिट रहे थे, उस ज़माने में बॉल पॉइंट से तो नहीं कलम से लिखा जाता था, तो रोशनाई मिट रही थी। बहुत मेहनत की, और जब मेहनत की इतनी छोटी सी डायरी, वो कम से कम 250-300 सफ़े का उनका पूरा कलाम था। मैंने ज़िंदगी में शायद वही एक काम किया, क्योंकि मैंने अपने वालिद को कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। हर बच्चा अपने वालिद के जूते में पांव रखकर चलता ज़रूर है, मैंने तो वो भी नहीं किया। तो बस मुझे कोई एक तोहफ़ा तो देना था, और वो ये था कि मैंने अफकार हसन छाप दी। अब ये किताब पहुँचे कैसे हिंदुस्तान? तो हिंदुस्तान से एक साहब इर्तिज़ा करीम साहब, बहुत बड़े राइटर, यहाँ आ चुके हैं। मैं अब भी पागल थी उन्हीं नामों में कि मैं उनसे मिली और मैंने उनसे कहा, इर्तिज़ा साहब आपके पास सामान बहुत होगा, अगर आप ये एक किताब ले जाएं और दिल्ली में ले जाएं, चाहे बस हिंदुस्तान ले जाएं, अगर बहुत अच्छा होगा तो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जमा कर दें, या उर्दू डिपार्टमेंट में दे दें, या कहीं भी ले जाएं, बस हिंदुस्तान ले जाएं, बस मैं समझूंगी कि मेरे अब्बा तक पहुंच गई। उन्होंने खैर ले ली। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अच्छे जुमले याद नहीं होते, पागलपन के जुमले ज़्यादा याद होते हैं। तो इर्तिज़ा करीम साहब को शायद मैं याद रह गई इन जुमलों से कि भाई कहीं भी फेंक दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, मगर हिंदुस्तान ले जाइएगा। जब मैं 2014 में मुलाजमत से वो होकर और मैंने वीज़ा अप्लाई की और मुझे मिल गया इत्तेफाकन, और मैं हिंदुस्तान गई, दिल्ली गई, मैंने इर्तिज़ा साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने फौरन ही अलीगढ़ फ़ोन कर दिया कि खातून इस तरह से आ रही हैं और उनका ये बैकग्राउंड है। मैं इस तरह अलीगढ़ में जा रही थी कि मुझे कौन पहचानेगा, मुझे कौन जानता है, ज़ाहिर है मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन जब मैं अलीगढ़ में गई हूँ और अब मैं वहाँ पर जो गेस्ट हाउस था उसमें ठहरी, और गेस्ट हाउस का ज़िक्र मुझे अलीगढ़ वालों ने ये बताया था कि आप जब भी जाएँ आपको गेस्ट हाउस बहुत नॉमिनल पैसे में फ्री मिलेगा, क्योंकि आपके वालिद अलीग थे। सो ये मैं तमाम अलीग के लिए ये बात कह रही हूँ कि वो सुन लें कि अगर आप जाएँ तो वहाँ 2-3 ऐसी हैं गेस्ट हाउस के वहाँ ठहर। कमाल की बात यह है कि उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके वालिद का क्या नाम था, कब थे, जिंदा हैं, मर गए हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। बस एतबार देखिए उनका कि मैंने कहा मेरे वालिद अलीग थे और वो बुक हो गई मेरे लिए और मैं उसमें रही। और इत्तेफाक ये था कि कब्रिस्तान उससे चंद कदम के फासले पर था जिसमें मैं रोज़ जाती थी। और मैं तो जब मैं वहाँ गई, अभी मैंने अपना सामान ही रखा था कि दरवाज़े पर नॉक हुई और एक साहब आए और कहने लगे कि आपका ये नाम है? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे कि मैं तहजीबुल अखलाक का एडिटर हूँ। मेरे कानों पे यकीन नहीं आया कि ये क्यों आए हैं, किसने? मैंने कहा क्यों आप आए हैं? कहने लगे मैं आपको लेने आया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लेके जाऊँगा। अब वहाँ सब लोग मेरे वालिद को जानते थे, और उसके जानने की वजह सिर्फ ये है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गंजहाए ग्रामाया में मेरे वालिद पर एक खाका लिखा जी। मेरे वालिद और रशीद अहमद सिद्दीकी उस्ताद शागिर्द थे, और ऐसे शागिर्द थे कि बस वो उन्हें बहुत चाहते थे और वो उन्हें बहुत चाहते थे। सो उन्होंने, रशीद साहब ने कहा था कभी कि मैंने अपने किसी शागिर्द पर कभी कोई खाका नहीं लिखा सिवाय हसन अब्दुल्ला के। इसके माने मेरे अब्बा कुछ थे जी। सो उसके बाद जब मैं उर्दू डिपार्टमेंट में ले जाई गई तो मैं यूं जा रही थी कि मैं पता नहीं किस मुल्क की सफ़ीर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, सदर मुमलिकत हूँ, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कोई वाइस चांसलर रह चुकी हूँ, मैं क्या हूँ? और जब ये जुमले कहे गए कि ये यूनिवर्सिटी बनाने में इनके ख़ानदान का ये सब कुछ उनको पहले से पता जी, मैं हैरान होती हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी में जाती हूँ जहाँ मैंने 8 साल लगातार पढ़ा है, वहाँ रेंजर्स मुझसे पूछता है कि आप क्यों अंदर आई हैं, और जहाँ मैंने 8 साल पढ़ा है और जहाँ ज़िंदगी भर मैं रही हूँ, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जानते वक्त अपनी शिनाख्त कराती हूँ। मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर शिनाख्त नहीं करनी पड़ी, बल्कि उन्होंने मुझे शिनाख्त कर दिया मेरा। यहाँ पे हम ये करते हैं, ये बात बहुत इन्होंने अहम कही है, और बहुत अहम है कि यूनिवर्सिटी के अंदर
طالب علموں کا داخلہ اگر پہرے داروں سے گزر کے ہو تو علم تک وہ کیسے پہنچیں گے؟ میں نے دنیا میں دو جگہ پہ چیزیں دیکھیں. ایک تو میں نے مصر میں دیکھی جہاں قاہرہ یونیورسٹی کے ارد گرد بھی ایسا ہی حصار رہتا تھا فوجیوں کا, اور پاکستان میں دیکھی جبکہ ہم نے جیسے فرما رہی ہیں سالوں وہاں گزارے ہیں, اب ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ تک جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس جبر کا ہم شکار ہیں. تو اس میں آپ بنیاد پہ ذہنوں کو زنجیر کر رہے ہیں, آپ پڑھنے لکھنے کو روک رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات میں کہیں چاہتا ہوں وہ دوسروں کے لیے, ہم دوسرے سیگمنٹ چلیں گے, کہ ان کے ہاں سے جو بات ملی وہ سبق یہ لینا چاہیے جو نے رشید صاحب کا ذکر کیا کہ ایک شعر ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرامایا کیا کیے. تو ہم سب جو ہیں وارث ہیں کسی نہ کسی بہت ہی قیمتی خزانے کے, خصوصاً لکھنے پڑھنے والے لوگ, تو ان کی طرح سے ہم سب پہ بھی ایک فرض بنتا ہے کسی نہ کسی طرح ہم اپنے ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے ہم پہ احسان کیے ہیں. اور میرے خیال میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس پہ لکھنے پہ ابھی ہم بات کریں گے اگلے دوسرے سیگمنٹ میں, تو وہ بہت ہی دل کو کھینچنے والا ہے. اس میں ایک ذکر اور کروں گا میں بعد میں اس بات کو شروع کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں آپ اگر آگے بات بڑھانی چاہیں. جی ناظرین, ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس انٹرویو کا اختتام کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سچائی کے ساتھ اور کتنی محبتوں کے ساتھ نوشابہ صدیقی کے بارے میں بتا رہی ہیں, ہم سے شیئر کر رہی ہیں, اور ہمارے ساتھ رہیے, ہم جلدی واپس آتے ہیں. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable, Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. ناظرین, وی آر بیک. آئیے ہم بات کرتے ہیں نوشابہ صدیقی صاحبہ سے. سر, یہاں پر میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک زمانے میں تعلیم جو تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوا کرتی تھی, اور تعلیم جو ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ تعلیم کے کچھ مقاصد ہوتے تھے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب میں نے دیکھا پیرنٹس بھی جو ہیں بچوں کو اس لیے پڑھاتے کہ اس کو اتنی سیلری ملے گی, سیلری اس کے لیے ہوگا. تو اس کے اوپر ذرا, چونکہ آپ کا تعلق تدریس سے ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے ہمارے معاشرے پہ؟ ہمارے یہاں تعلیم تو خیر بہت آگے بڑھ گئی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس کے ذریعے بھی کتابیں بہت اچھی چھپ رہی ہیں. ہمیں تو ملتی نہیں تھیں, پیپر بیگ پہ ہوتی تھیں, بلکہ وہ بھی نہیں ہوتی تھیں, ہم بیٹھ بیٹھ کے لکھتے تھے. اب تو فوٹو کاپیاں بھی ہو جاتی ہیں. تعلیم تو بہت آسان ہو گئی ہے, یہ تو ہے. ہم نے تو بہت مشکل سے پڑھا. پھر ہم تو کتابیں خریدنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تھے, سچی بات یہ ہے. ایک کتاب خرید لیتے تھے تو ہم شیئر کرتے تھے کئی. اب ہر ایک کے پاس کتابیں بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, لیکن تربیت غائب ہو گئی ہے, اور مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے. تھوڑا بہت حصہ نہیں, میں اس لیے کہہ سکوں گی اور میری بات کو شاید کوئی بھی نہیں جھٹلا سکے گا, جو میرے زمانے کا استاد تھا یا طالب علم تھا, دونوں. کیونکہ ہم لوگ اپنے استاد سے ڈرتے بھی بہت تھے اور عزت بھی بہت کرتے تھے.
अब ना कोई डरता है और ना कोई इज्जत करता है। इत्तफाक ऐसा हो गया है कि अब मैं फिर कराची यूनिवर्सिटी रोज़ जाने लगी हूँ, एक बहुत बड़े तवील अरसे के बाद उसी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। जहाँ मैं जो तालबिल्मों का रवैया देख रही हूँ या मुख्तलिफ कॉलेजों का भी या ख़ुद अपने कॉलेज का जिसमें मैंने पढ़ाया, तो तहजीब तो सबसे पहले यही होती है कि उस्ताद सामने से गुजर गया और हम कहीं भी बैठे हैं तो उठ के खड़े हो जाएं। अब उठ के खड़े होने का तो कोई तसव्वुर है ही नहीं। फिर उस्ताद का नाम जिस अंदाज से लिया जाता है उसमें अदब आदाब का कोई भी गुजर नहीं। इसके ये माने नहीं है कि हम सिर्फ तालिबे इल्मों की बुराई करने लग जाएं। हमें ये सोचना है कि हमारे असातिज़ा क्या कर रहे हैं। दरअसल हमारे असातिज़ा कुछ नहीं सिखा रहे हैं और शायद हमारे वालदैन भी नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा तो वालदैन सिखाते हैं फिर ज़्यादा उस्ताद सिखाते हैं। मैं अगर अपना तजर्बा बताऊं तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 40 साल पढ़ाया और लाखों तालबिल्मों को पढ़ाया और उसके बाद मैं अब आ भी गई हूँ, निकल के आ गई हूँ, तो मैंने ये देखा कि क्लासरूम में मैंने जो पढ़ाया और उस वक्त भी मैंने ये समझा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ये उनकी डिग्री हासिल करने तक है और उसके बाद अगर वो शोबे में गए और वो किताबें काम आई तो एक अलग बात, वरना उमन पढ़ते हम इकोनॉमिक्स हैं और जाते हम किसी और मुलाजमत में हैं, बैंक में नहीं जाते या माशी किसी इदारे में नहीं जाते, वो एक अलग बात है। लेकिन जो स्टेज होता है किसी इदारे का, किसी तालीमी इदारे का, किसी दरसगाह का, वो क्लासरूम से बराबर का दर्जा रखता है और तालबिल्म उन उस्तादों को अच्छी तरह याद रखते हैं जिन्होंने उनको स्टेज तक पहुंचाया। तो तरबियत तो सारी स्टेज पर होती है, क्लासरूम में हम सिर्फ लेक्चर देते हैं। लेकिन तो अब इसी मैं कनाडा में आई हूँ, मैं आपको बता दूँ कि दर्जनों तालबिल्म मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम भी यहाँ रहते हैं। तो हमने कहा तुम किस ज़माने में पढ़ते हो, कौन प्रिंसिपल था, तो उन्हें नाम नहीं याद है। किसी और टीचर का नाम बता दें तो उन्हें नाम नहीं याद है। तो मेरा नाम तुम्हें क्यों याद है, आप हमें डांटती थी, पहला जुमला, आप हमें बताती थी, आप हमें सिखाती थी। ये सब सुन के हमें बहुत अच्छा भी लगता है और यहाँ बता के ये खुद नुमाई नहीं है, लेकिन उससे नतीजा मैं ये निकाल रही हूँ कि अगर आप तालिबे इल्मों को पढ़ाई के अलावा 5 मिनट अपने लेक्चर में शामिल कर लीजिए और कुछ गुफ्तगू कीजिए, उनको कुछ बताइए, रोज़ाना अगर 5 मिनट निकाल देंगे 50 मिनट के एक लेक्चर में से, तो आपका कुछ हर्ज नहीं हो जाएगा मजमून का। तो सिखाना पढ़ाना, अभी मैं आ रही थी तो मैं सीट बुक कराने के लिए गई एयरपोर्ट पर, तो मेरे टांगों का ऑपरेशन हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे आगे की सीट दे दें तो मैं टांग फैला करके बैठ जाऊंगी। तो काउंटर पे बैठा हुआ शख्स कहने लगा कि सीट तो खाली नहीं है। खैर मैं मायूस हो गई खड़ी, बराबर के काउंटर से खातून उठी और उनको हटाया और बैठ गई और मुझसे कहा पासपोर्ट दीजिए और मुझे कहा फला जगह जाके आप बैठ जाइए। मैं जाके बैठ गई, फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैडम, जैसे ही उन्होंने मैडम कहा मैं समझ गई कि वो मेरी शागिर्द होंगी। तो मैंने कहा कि बोलो तुम यहाँ पे हो, कहने लगी जी पहचान लिया, हाँ पहचान लिया। अब उनके बच्चे बड़े बड़े थे तो कहने तुमने मुझे कैसे पहचाना, कहने लगी कि आपने मुझे कॉलेज में बहुत डांटा था। मैंने कहा किस बात पर डांटा था, कहने वो तो मुझे याद नहीं किस बात पर डांटा था, लेकिन मैंने उसके बाद फिर एक हफ्ता आपकी क्लास नहीं अटेंड की, तो मैं आपको बहुत बुरा समझती थी क्योंकि आपने सबके साथ मुझे डांटा था। तो मैंने कहा याद करो, कह रही नहीं मुझे याद है, मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। मैंने कहा बताइए, आपने ये कहा था कि तुम इख्तलाफ करो, तुम मेरे पास आई थी शिकायत करने वो आई थी, तो मैंने कहा तुम इख्तलाफ करो, अपना लहजा अच्छा रखो, बात सख्त करो पर लहजा अच्छा रखो। कहना ऐसा कुछ हुआ कि मेरी बेटी आई और मुझ पर चीख कर बोली, तो एकदम मेरे मुंह से निकला कि बात करो मेरे खिलाफ पर लहजा अच्छा रखो, फिर मुझे आप याद आ गए। जी ये है एक उस्ताद का रिटर्न जो उसे मुद्दतों बाद मिल जाता है। सो ये बात, मैं गई अपना बॉडी सर्च कराने, लड़की ने हाथ उठाया और फिर रख दिया। मैंने कहा बॉडी सर्च करना है, तो कहने लगी आपका नहीं करूँगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं करोगी, मैं समझ गई ज़ाहिर है मैं इतने अरसे रहें तुम अलामा इकबाल कॉलेज की हो, जी आप गलत काम कर ही नहीं सकती। ये मेरे लिए रिटर्न था।
मैंने कहा लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया कि अपनी जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं करो, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो। कहने लगी लेकिन यकीन और एतमाद भी तो कोई चीज़ होती है मैडम। ये सब जुमले हम उस्तादों को जिंदा रखने के लिए कितना काफ़ी हैं, तो हर उस्ताद को कम अज़ कम ऐसा हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं, तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। वक्त कम है और सब नाज़िमी समझ रहे होंगे कितना हमें वक्त चाहिए ऐसी शख्सियत से बातचीत करने का, लेकिन मैं आना चाहता हूँ कि वक्त की कमी के हिसाब से माफ़ी मांगता हुआ कि अब ज़रा हम इनकी कुछ तहरीरों के बारे में बात करते हैं जो मेरी नज़र से गुजरी। इन्होंने 10 किताबें लिखी हैं, खाके भी लिखे हैं, शायरी भी की है, तरतीब भी की हैं किताबें, लेकिन मैंने इनकी खाकों की किताब मुझे खुशी में मिल गई जो सर शाम तो यहाँ पर है जो सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ये कि जो दूसरी किताब इन्होंने मुझे इनायत की चश्मे हैरान के नाम से, तो खाका मैंने पढ़ा और मैं खाका निगारी में बहुत ही कायल था बाद लोगों का, जैसे रशीद सिद्दीकी साहब का इन्होंने कहा, नसरुल्लाह खान एक बहुत बड़े आदमी थे, आप हुर्रियत में रही हैं ज़ाहिर है आप उनसे, मैंने उनसे सीखा है ख़ुद से जो कुछ भी लिखना पढ़ना थोड़ा सा कुछ आया है अखबारों में, तो नसरुल्लाह खान साहब वगैरह को पढ़ के आया है और मुशीर ख्वाजा साहब को भी देखा, बाबा उर्दू तो खैर बहुत बड़े थे हम तो उसके बहुत कम हैं, उन सब ने मुझे खाके पढ़ने का एक तरीका सिखाया कि खाका अच्छा कौन सा होता है। तो इसमें इनके मैंने कुछ खाके पढ़े और एक खाका मैंने पढ़ा उसमें तो मैं रो दिया, लिटरली ज़ारो कतार में रो रहा था। मैंने इनको फ़ोन करके कहा कि ये हो गया मेरे साथ, तो कहने लगी कि आप बहुत ही कम लोग इसको समझ पाते हैं और उसमें पूरी जो हम तहजीब की अलामतें हैं उस खाके में छुपी हुई हैं, जमाल आशिकीन से जमाल भाई तक, ये जमाल भाई आशिकीन अजीब व गरीब खाका है, उसके अलावा और भी ऐसे होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने खाके निगारी क्यों इख्तियार की और इसमें ये कमाल कैसे हासिल किया? कमाल तो मैंने नहीं हासिल किया लेकिन अख्तियार ज़रूर मैंने किया, और वो यूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों के पास बैठने का मुझे मौका मिला, और वो यही कि मैं कॉलेज में जिस दिन गई बहुत जूनियर उस्ताद की सूरत से गई थी, जाहिर है जो भी पहले जाता है बिल्कुल जूनियर होता है, लेकिन मुझे काम सबसे बड़ा ये मिला कि मैं जो यूनियन की इंचार्ज बन गई। अब यूनियन की जब इंचार्ज बन गई तो तलबा और तालबात की सारी तरबियत भी मेरे हिस्से में आ गई और तमाम तकरीबात भी मेरे हिस्से में आ गई। तो तकरीबात के सिलसिले में उस ज़माने में शहर कराची बड़े बड़े लोगों से आबाद था, बहुत बड़े बड़े लोग, समझ में नहीं आता था किसको बुलाएं किसको छोड़ें। तो मैंने जिन शख्सियात को अपने कॉलेज में बुलाया वो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात थीं कि उनसे मिलने का उनके पास बैठने का मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला। तो जब मैंने उनको इतना ज़्यादा परख लिया और देख लिया और समझ लिया तो बाद में मेरा जी चाहा कि मैं इन पर लिख भी दूँ, तो यूँ मैंने शख्सियतों पर लिखना शुरू किया। मुझे लोग बहुत अच्छे, मुझे किताब से ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं, मैं लोगों में रहना चाहती हूँ। किताब से हम बात करते हैं, लोग हमसे बात करते हैं जी। तो हमें ये अच्छा, तो जिस खाके ने मुझ पर असर किया ये खुद तो नहीं कहेंगी, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र ज़रूर कर दूं नदीम साहब, लोगों को पता चले कि तहजीब तरबियत क्या होती है। तो एक खाका एक शख्स के बारे में है जो कोई प्रोफेसर नहीं है, जो कोई बहुत बड़ा तालिब इल्म नहीं है, वो एक शख्स है नौजवान जो इनके दफ्तर में हाज़िर हुआ था इनके प्रिंसिपल साहब के साथ एक कैंटीन खोलने के लिए। खूबसूरत सा नौजवान था, लड़कियाँ थीं वहाँ पर, तो प्रिंसिपल साहब इन्होंने कहा नहीं आप इसको रख लीजिए, तो वहाँ कैंटीन वाला बन गया। उस कैंटीन वाला बनने के बाद वहाँ से उसने और 4 कैंटीनें बनाई। अच्छा। तो जब ये जा रही थी छोड़ के तो वो कहता मैं भी अब यहाँ पे काम नहीं करूँगा, और उसकी हालत ये थी कि जब इनके सामने आता था, और ये रिवायत है कि पिछले कदमों वापस जाता था, पीठ मोड़ के नहीं जाता था वो शख्स। यानी जो हमारी तहजीब है वो ये है कि आप कदर कैसे करते हैं, नहीं ऐसा, और एहतराम कैसे करते हैं कि आप जैसे पीर के सामने से पीछे कदमों जाएं। फिर जब इन्होंने छोड़ा तो उसने कहा कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, हालांकि कारोबार है सब कुछ चल रहा है, इनके कॉल में बैठा हुआ था, और फिर रोते रोते उसने कहा कि अब मैं यहाँ, इन्होंने कहा नहीं तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें अपना काम चल, उन्होंने कहा नहीं मैं अब आपके बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। तो उससे इनकी शख्सियत का भी पता चलता है, और जिस तरीके से खाका लिखा है तो इंसान दिलगीर हो जाए, रो दे, अपने वालिद साहब का लिखा है। तो ये मैं तो कहूँगा कराची में किताब है लोगों पास, इनके नाम से ढूँढें पढ़ें, पता चल जाएगा कि हमारी तहजीब क्या है, अभी तक नहीं खो गई है, अभी तक लोगों में मौजूद है, और उसको कैसे पाया जा सकता है। मेरे ख्याल में मैंने उसको समअप किया है अपनी कोशिश के हिसाब से।
ये बताइए कि आपकी जो ये जैसे खाके की किताब का आपने जिक्र किया या और 10 किताबें गालिबा आपने लिखी हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन किताबों के अमेज़ॉन पे मौजूद हैं, अगर कोई शख्स लेना चाहे? नहीं उसका मैं बता, वो तो नहीं है, दो किताबें इनकी रेख्ता पे हैं। अच्छा। लेकिन जो ये काम कर रही हैं आपने बिल्कुल मुनासिब कहा है कि इन किताबों की PDF बन के या तो रेख्ता पे सारी चढ़ जाए जहाँ से मुफ्त मिल जाती है, या अमेज़ॉन पे चली जाए। अब पाकिस्तान में काम बहुत आम हो गया है, हूरी नूरानी ने भी शुरू किया है किताबों का, तो वो वहाँ से आगे आनी चाहिए। लेकिन आप ख़ुद बताइए। जो आपने सवाल किया वो ये कि मैं बस किताब अपने लिए लिखती हूँ, देते हुए भी किसी को शर्माती हूँ, और लिख करके वो बस मेरे घर में रखी रहती है। तो कुछ मैं ना अदीब हूँ, ना मैं कुछ बड़ी लिखने वाली हूँ, कुछ नहीं। मैं अपना निकालती हूँ, अपना जो गुबार मेरे अंदर है। तो मैंने कभी चाहा ही नहीं कि इसे कोई दूसरा पढ़े या ये इतनी ज़्यादा मशहूर हो। मेरे पास हमेशा ऑडिटोरियम रहा, इस वक्त 3 ऑडिटोरियम मेरे पास। मैंने अपनी किसी किताब की कभी लॉन्चिंग नहीं कराई, मैंने सैकड़ों किताबों की लॉन्चिंग की है। लेकिन जो किताबें होती हैं वो तो आपकी शख्सियत का एक आईना होती हैं, तो लोग आपको फिर कैसे जानेंगे अगर वो आपकी? मुझे जानने की इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं इतनी काबिल हूँ नहीं कि लोग मुझे जाने। बस मैंने अपने आप को अपने शागिर्दों तक इतना महदूद रखा कि बस वही मुझे जानती थी कॉलेज में। मैंने कहीं, मैं अभी भी तकरीबात में जाती हूँ, पीछे बैठ जाती हूँ, आवाज़ देकर वो लोग मुझे आगे बुला लेते हैं। बड़ी मुश्किल से जाती हूँ, मतलब है नहीं मुझ में, अब मैं क्या किन अल्फाज में कहूँ कि कोई मुझे जाने या पहचाने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन किताबें ऐसी हैं, मैं यानी कसदन ये बात कह रहा हूँ और बहुत ही ईमानन ये बात कह रहा हूँ कि इनकी जो खाके निगारी की किताबें हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, अकेडमी बाज़ियाफ़ ने छापी हैं, जितनी भी कॉपियां हैं लोगों को हो सकता है मैं भी ख़ुद वहां से मंगाऊं इनके ज़रिए से। मैं अक्सर किताबें मंगा के लोगों को पेश करता हूं, आपको पता है। तो मैं अकेडमी बाज़ियाफ़ ने मखा में छापी हैं, उन्होंने आपकी किताबें कुछ ना और दूसरों ने वेलकम से जी जहां जहां से भी, तो वो कुछ मंगाने की कोशिश करेंगे, 10-10, 20-20 कापियाँ, ताकि लोगों को हम तोहफे में पेश कर सकें। आखिर में हल्की सी बात, मतलब हल्के लुत्फ की बात वो करनी चाहता हूँ कि इनके हस्बैंड भी यहाँ पे हमारे साथ शोर साहब निसाख्त साहब मौजूद हैं, तो वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे एक नज़र, तुम मेरा महबूब है नज़र तो देखो, तो ये उसी किस्म के शख्स हैं यहाँ मौजूद हैं, कैमरे के सामने नहीं हैं, और वो ख़ुद बहुत बड़े अदब दोस्त हैं। मेरे ख्याल में उनका रिकग्निशन ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने शायद एक खाके में लिखा है किताब में कि ये जब आई थी शादी करके तो वो एक डायरी अपने हाथ में सामान के साथ लेके आई थी, जिसका उन्होंने भी एतराफ़ किया है। वो ख़ुद बहुत ही उम्दा और बहुत ही यानी खुशज़ौक शख्स हैं, तो हम उनकी भी कनाडा में पज़ीराई करते हैं और उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि भारत उनकी जो अदब से दोस्ती है उसका अंदाज़ा तो इनके साथ जो कि बरसों पर मुहित है उससे भी हो जाना चाहिए, वो ख़ुद भी रहा होगा। वरना ये तो लॉन्चिंग की और किताब की बात हुई, मैंने आज तक अपनी किसी किताब पर किसी से दिबाचा भी नहीं लिखवाया, किसी से कोई राय भी नहीं लिखवाई, कभी नहीं लिखवाई। लेकिन हाँ, मेरी सबसे पहली किताब जो छपी थी वो नॉवेल थी, और सलीब का जख्म। और मैंने बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ लिया। वो ये था कि ज़ाहिर है कि बड़ी नौजवानी सी थी, अभी मैं तालिबे में बस जल्दी से MA करके निकली थी, और मैंने वो नावल लिखी, तो मैंने अपने घर वालों से छुपाई, ख़ास तौर से अपनी अम्मी से, कि नावल हमारी अम्मा को ना पता चल जाए कि मैंने नावल लिखी है, फिर किसी और को भी ना पता चले कि मैंने नावल लिखी है। तो वो लिख ली। अब लिखने के बाद सब लोग कहते हैं कि भाई इस पे आप किसी से राय लिखवाइए, तो उस वक्त मुझे ये सारा कुछ नहीं था, तो मैंने कहा लिखवाऊँगी तो, लेकिन मजनू साहब से लिखवाऊँगी। अब ये 70s का ज़माना था, नई नई MA करके आई हूँ, मजनू साहब हिंदुस्तान में रहते थे, तो मेरे पब्लिशर ने कहा कि आप कैसे लिखवाएंगे उनसे, आप जानती हैं? मैंने कहा नहीं जानती। कहाँ रहते हैं? मैंने कहा नहीं पता। तो कहने कैसे लिखवाएंगे? मैंने पता नहीं कैसे। तो कहने फिर किताब कैसे छपी? पूरी उसकी किताबत, उस ज़माने में किताबत होती, किताबत हो चुकी रखी। मैं सैयद अब्दुल्ला से लिखवा दूँ, मैं वक़ार अजीम है लाहौर में उनसे लिखवा दूँ, सारे नाम ले डाले। मैंने कहा नहीं, बस मजनू साहब। अब वो एक तालिब इल्माना, एक ज़िद थी। बहरहाल उन्हीं दिनों जब किताब बहुत लेट हो रही थी, तो वो पब्लिशर बहुत थक गया, मकतब आलिया का था लाहौर का, तो मैंने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी कि मजनू साहब कराची आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं।
मैंने कहा हो तो ठीक है। फिर दूसरी खबर थी कि वो कराची आ रहे हैं, फिर तीसरी खबर थी कि वो नाजमाबाद आ रहे हैं, फिर चौथी खबर ये थी कि वो मेरे बिल्कुल घर के तो मैंने कहा वो तो मैंने बुलाया है उन्हें। अच्छा, अब फिर मैं एक दिन चली गई बड़ी हिम्मत करके, और मुझे ये तो पता था कि वो कौन है। मैंने उर्दू में एमए किया था, मैं मजनू गोरखपुरी, बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छी तरह पढ़ा था और मुतासिर थी, और ये भी पता था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, तो ये भी एक मोहब्बत का रिश्ता था। तो मैं गई और मैंने कहा इनको आजमाते हैं कि अलीग हैं कि नहीं है। मेरे साथ हमेशा ये रहा कि अगर कोई अलीग है और वो मेरे वालिद और दादा का नाम नहीं जानता तो वो अलीग नहीं है, तो फौरन कह देती थी कि आप नहीं है। अब ये एक बचपने की बातें मैं कह रही हूँ। बहरहाल तो मैं गई तो मजनू साहब से मैंने अपना तारुफ कराया, मैंने कहा आप अलीग हैं, कहने हाँ। तो मैंने कहा आप मेरे अब्बा को जानते हैं, वो हंसने लगे, कहने के लाखों लोग हैं वहाँ, मैं आपके अब्बा को तो मैंने कहा कि उनका नाम ये था, कहने उनके अब्बा का नाम बताइए। तो मैंने बताया, कहने हाँ वो तो मेरे दोस्त थे और आपके अब्बा मुझसे जूनियर थे, तो ठीक है। तो मैंने कहा बस तो मेरी किताब पर लिखी, तो कहने लगे कि सिफारिश नहीं चलेगी, किताब देखनी होती है। तो मैंने कहा मैं सिफारिश थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो एक अलीग की बेटी हूँ, मैं अलीग से लिखवा रही हूँ, बस ये मेरा हक है। खैर उसके बाद जो बातें हुई वो अगर आप इसमें पढ़िएगा जो मैंने मजनू साहब पर खा जी, जी। वो आपने इसलिए नहीं पढ़ा कि नहीं, अभी बात ही नहीं किताब जी। तो उन्होंने शर्त लगी कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, वहाँ बैठा रहूँगा, चाय एक थर्मास से बन करके आएगी, कमरे में कोई नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा, तुम पढ़ के सुनाओगी। अब सबसे बड़ा और मुश्किल काम ये था कि मैं पढ़ के सुनाऊँ एक नावल, ज़ाहिर है जो उसके तकाजे होते हैं वो पढ़ा कैसे जा सकता है, और वो भी एक इतने बड़े आदमी के सामने। खैर मैंने वो सारी शरायत पूरी कर दी और मैं बैठ गई पढ़ने। अब जब पढ़ने का मसला आया तो मैंने कहा ये तो मैंने बड़ी हिमाकत कर दी, मजनू साहब से तो लिखवाना ही नहीं चाहिए था, अभी वो उठाएंगे और उठा के खिड़की के बाहर मेरी किताब फेंक देंगे, किताब क्या जो मसौदा है। अब वो कह रहे हैं पढ़ो, मैंने एक चैप्टर दूसरा, और जहाँ मैं चुप हो जाऊँ वो कहें कि पढ़ो, फिर वो बाकी चीज़ें आप खाके में पढ़िएगा। बहरहाल हुआ ये कि वो बिल्कुल चाय पीते पीते एक के बाद एक एक के बाद होते होते वो बिल्कुल बेहोश हो गए सोफे में। अगर आपने उन लोगों उनको देखा हो तो वो बिल्कुल नहीफ व नज़ार ऐसे थे कि सोफे में बैठ जाएं तो फिर ढूंढना पड़ता जी। और एक तेज़ हवा चले तो वो उड़ जाएं, ऐसे थे मजनू साहब। तो मैंने कहा, थोड़ा सा मैंने हिलाया उनको, मैंने कहा अगर ये मर गए तो क्या होगा, लोग कहेंगे इनके घर मर गए। मैंने बिल्कुल ये समझा कि वो मर गए हैं क्योंकि उनमें कोई हिस बाकी नहीं थी। बहरहाल मैं चुप हो गई थी, तो एकदम उठे, कहने तुम पढ़ नहीं रही हो, यानी वो सुन भी रहे थे और होश में थे वो। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, जब ख़त्म हो गई तो उनकी आँखों में आंसू भी थे और पता नहीं उन्होंने उससे क्या असर लिया। अब इम्तिहान का वक्त आया कि वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब मैं सहम के बैठी हुई, बिल्कुल जैसे नतीजा आता है इम्तिहान का और डर लगा होता है और पेपर भी ख़राब हो रहे होते हैं कि क्या होगा, वो था। और एकदम उन्होंने कहा कागज़ पेंसिल लाओ और लिखना शुरू करो। आप पूछे नहीं कि वो मेरे लिए क्या था जी। और उसके बाद उन्होंने कम अज़ कम 4 या 5 सफ़े उस पर लिखवाए और मुख्तसरन ये साबित किया कि ये नावल दुनिया का सबसे ही अहम नावल और वो झूठ तो कुछ भी नहीं बोल सकते थे लेकिन सरासर झूठ था। और उन्होंने कितने बड़े बड़े नावल से मवाजना करके बहरहाल वो सब कुछ हो गया, वो लिख दिया, उन्होंने दस्तखत कर दिए और वो ये सब कुछ छप भी गया। तो वाहिद वो एक है जो मैंने उनसे, उसके बाद तजर्बा इतना बुरा था वो कि उसके बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं पाई। उसके बाद मैंने फिर एक दूसरा नावल लिखा, तो 2 नावल हैं, 2 खाके हैं जी। एक मैंने अपने वालिद की किताब मुरत्तब की, एक मैंने हसनैन काजमी के जो कॉलम थे जंग में वो मुरत्तब, वो मुझ पर कर्ज ये था कि वो मेरे उस्ताद थे और मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सो मैंने वो किया। उसका भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रोने जी जी जी। और फिर उसके बाद मैंने अपने ख़ानदान पर एक किताब लिखी 3 नस्लों पर, यानी परदादा से शुरू होकर अपने भाई तक, क्योंकि मैं तो नहीं। बहरहाल तो वो मेरी किताब और फिर ये एक सफ़रनामा। और इस सफ़रनामे की सबसे बड़ी खसूसियत और कामयाबी ये है कि ये सफ़रनामा जब मैंने इंडियन हाई कमिश्नर जो मेरे सामने खड़े थे मैंने पेश कर दिया और उनसे कहा कि मैं इसका मुआवजा लूँगी,
तो वो समझे मैं पैसे मांग रही हूँ कि था कहने के मुआवजा कैसा, तो मैंने कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए। कहने वीज़ा तो आप अप्लाई करें, मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं मिलता। कहने मिला था तभी तो आप गई थी। मैंने कहा जब मांगता है आदमी तो आम चीज़ तो नहीं मांगता कोई बड़ी। कहने क्या बड़ी चीज़? मैंने कहा मल्टीपल वीज़ा। कहने क्या मिलता है? मैंने कहा जब ही तो मांग रहे हैं, नहीं मिलता। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। खैर किताब लेके चले गए वो, और आप यकीन कीजिए तीसरे दिन मेरे पास मल्टीपल वीज़ा माशाल्लाह सिर्फ उस किताब पर। और उन्होंने वही जुमला कहा था जो अभी मुनीर साहब ने कहा। उन्होंने कहा, उनका फ़ोन आया मेरे पास और कहा कि तुम बहुत बुरी हो, और आगे कहा तुमने सारी रात मुझे रुलाया है और मैं किताब रख नहीं पाया और मैंने पढ़ा है रोते रोते। बस ये है जी। नईम साहब, तो मैं यहाँ पे ख़त में सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ, जो पैगाम है मेरी तरफ से इनका पैगाम अभी लेते हैं। सरकारी अफसरों के नाम जो वीज़े इशू करते हैं, चाहे वो कनाडा का या इंडिया का या पाकिस्तान का करें, उन्हें इस दर्द का एहसास होना चाहिए कि जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, वो कैसे अपनी मिट्टी के साथ दिल लगाना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते हैं। और ये करने से मोहब्बतें, जैसे इन्होंने फरमाया कि वो कौंसल जनरल ने महसूस किया उस दर्द को, तो वो महसूस हम सब में भी एक दर्दमंदी की, दोस्ती की फ़र्ज़ होगी। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, मेरे ख्याल में इजाज़त दें कि आप यहाँ के लिखने पढ़ने वालों के लिए और कुछ पैगाम दे दीजिए ताकि वो कुछ सीख सकें। यहाँ के लिखने पढ़ने वालों को तो खैर मैं इतना नहीं जानती, सिर्फ उनको जानती हूँ जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहाँ आ गए हैं, और अक्सर व बेशतर वो कराची जाते रहते हैं। वहाँ जाते हैं वो अपनी कोई काबिलियत तो लेकर नहीं जाते, अपनी कोई नई किताब लेकर जाते हैं जिसको छपाते भी वो कराची से ही हैं, और उसकी वो लॉन्चिंग कराते हैं, और वो कहते हैं हम कनाडा से आए हैं। कनाडा की यानी इतनी बार तकरार होती है कि कभी वो ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तानी भी हैं या कभी पाकिस्तान में रहे भी हैं। बहरहाल ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई होती है, वो जाते हैं। लेकिन कभी वो कराची वालों पर भी कुछ लिखें, कुछ कहें, वो बिल्कुल वो कनाडा के बनकर आते हैं, उनके अंदर से पाकिस्तानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। अपने अपने आप को पहचाने, अपने आबा अजदाद को पहचाने, अपने वतन को पहचाने, उसे याद रखें जी। नाज़रीन, हम बहुत मशहूर हैं नौशाबा सिद्दीकी साहिबा का, उनके हस्बैंड का, जो कि यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। और इसके साथ साथ मैं मुनीर सामी साहब का शुक्रिया अदा ना करूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने आज हमें ये मौका फराहम किया कि हमने इनकी बातचीत नौशाबा साहिबा की आप तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।